हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है। मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ इस वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो को लेकिन पूरा देखना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? तो फिर चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर बनना चाहते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आप बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और ये जो बेल आइकन है इसे आपको दबा देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। उसके बाद आप हमारे चैनल के इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके और उसके बाद फिर इस बीकॉम ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको 119 रुपीज जो है पे करने होते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यू नो नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से 24/7। और भी बहुत सारे बेनिफिट एंड पर्क्स हैं, जैसे कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो रिगार्डिंग योर एनी यू नो क्वेरी क्वेश्चन, या फिर किसी भी तरह की काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प यू इन दैट। एंड ऑन डिमांड लेक्चर्स आप बनवा सकते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई लेक्चर बनवाना है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है ना? सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। कुछ चीजें मैं और बता दूं कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल के ऊपर आने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए। यहाँ पर आने के बाद इग्नू बीकॉम न्यू बोल करके आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा, जहाँ पे इग्नू इग्नू का जो नया जो बीकॉम लॉन्च हुआ है, कोर्स जो लॉन्च हुआ है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी की सारी आपको यहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पे वीडियोज जो है वन बाय वन आपको स्टडी करने को मिल जाएंगी। ऐसे जो है अगर आप एक एक करके देखेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढना ही अगर आपको है तो आप प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में ढूंढिए, आप यहाँ पे आकर के इतना से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में ला पाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे बहुत तरह के शेयर कैपिटल के कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि एक कंपनी जितने अमाउंट की होगी, जितने रुपए की होगी, उतने का आपका पास जो है कैपिटल होगा। सपोज एक कंपनी 1 लाख रुपए की है ना, तो उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल क्या हो गया? 1 लाख रुपए। आप समझ लो वो 1 लाख रुपए की कंपनी वो है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इश्यू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना? डेफिनेशन को यहाँ पे समझने की करो। सो अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक कंपनी के पास ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल उतनी ही होती है जितना उस कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। मतलब कंपनी सपोज 1 लाख रुपए की है, तो वो 1 लाख रुपए का जो शेयर है वो मार्केट में इश्यू कर सकती है। तो जितने रुपए का वो मार्केट में शेयर इश्यू कर पाएगी, वही उसकी ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल होगी। तो टोटल 1 लाख की कंपनी है, तो वो 1 लाख का शेयर जो है मार्केट में इशू कर सकती है, पर वो कंपनी को 100% तो बेचना नहीं चाहेगी ना। शेयर इशू करने का मतलब है कि आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को बेच रहे हो, राइट? तो आप तो 100% नहीं बेचोगे, आप उसके कुछ कुछ हिस्से बेचोगे। तो ये जो कुछ कुछ हिस्से आप बेचते हो और जो हिस्से बच जाते हैं, उसके अलग अलग नाम है, जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो आई होप कि ऑथोराइज कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज बाय द शेयर इशू ऑफ शेयर। जो मैंने आपको कहा वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू करके मार्केट से उठा सकती है। द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन इट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अडॉप्टिंग द प्रेस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। तो जो अमाउंट होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल का, वो डिपेंड करता है एक बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इसको यू नो इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जा सकता है, बट उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल तरीका है, वो आपको फॉलो करना होगा, है ना? तो ये हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब बात होती है इशूड कैपिटल की। तो मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, तो सपोज आपके पास 1 लाख रुपए की कंपनी है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस 1 लाख रुपए में से आपने सिर्फ 10,000 रुपए के शेयर इशू करे मार्केट में, कि आप 10,000 रुपए का जो है, 10,000 रुपए जो है मार्केट से उठा पाओ। तो ये जो आपने 10,000 रुपए इशू किए हैं, इशू के जो शेयर इशू किए हैं, उसे हम कहेंगे इशूड कैपिटल, है ना? आप जितने के इशू करोगे उसको हम कहेंगे इशूड कैपिटल, ठीक है ना? इट इज दैट पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, है ना? जितना आप ऑफर करोगे पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए, सपोज 1 लाख में से 10,000 रुपए आपने ऑफर किया, तो जो इश्यूड कैपिटल हो गया वो हो गया 10,000,
ठीक है ना। नॉर्मली ये कंपनी डज नॉट इशू इट्स एंटायर नॉमिनल कैपिटल एट ए टाइम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक ही बार में कोई भी कंपनी अपना 100% नहीं बेचती है, एक ही बार में क्या, वो कभी नहीं बेचती है, 50% तक वो जाती है, उसके बाद फिर जो है वो लोग सोचते हैं, काफी सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन 50% तक वो आसानी से जा सकते हैं। इन दिस केस द इशूड कैपिटल इज लेस देन द नॉमिनल कैपिटल, डेफिनेटली इशूड कैपिटल जो नॉमिनल कैपिटल से कम होगा, है ना। नॉमिनल कैपिटल आपका टोटल कैपिटल है और इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो आप कंपनी के तरफ से इशू कर रहे हो पब्लिक के लिए कि वो आपके शेयर्स को खरीदे। द डिफरेंस बिटवीन द इशूड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अनइशूड कैपिटल क्या कहते हैं। तो 1 लाख में से 10,000 रुपए आपने इशू करा, बचा कितना, 90,000 रुपए आपने इशू नहीं करा, तो अनइशूड कैपिटल आपका कितना हो गया, 90,000। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, बुक में एग्जाम्पल देना चाहिए था पर इन लोगों ने दिया नहीं है, पर कोई नहीं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन द नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल कभी भी नॉमिनल कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। इट कैन एट द मोस्ट बी इक्वल टू द नॉमिनल कैपिटल। अब ये ज्यादा से ज्यादा नॉमिनल कैपिटल के बराबर हो सकता है, अगर आप अपनी 100% साझेदारी बेचोगे, हिस्सेदारी बेचोगे, तो वो 100% उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अब अगला टॉपिक है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी 1 लाख की ऑथोराइज कैपिटल है, उसमें से 10,000 आपने इशू किया, लेकिन लोगों ने उस 10,000 में से सिर्फ 5,000 की शेयर ही खरीदे, तो आपका सब्सक्राइब कैपिटल हो गया 5,000 रुपए। इशूड कैपिटल 10,000, लोगों ने सब्सक्राइब किया 5,000, तो शेयर में उन लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, उन लोगों ने सिर्फ 5,000 रुपए का शेयर ही जो है सब्सक्राइब किया, तो उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, यहाँ से आप ध्यान से सुनो, इट इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, ये इशूड कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि एक्चुअली सब्सक्राइब किया गया है लोगों के द्वारा। Where the shares issued for subscription are wholly subscribed, issued capital would be the same as the subscribed capital. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 10,000 में से 5,000 शेयर को ही उन लोगों ने एक तरीके से सब्सक्राइब किया, तो वो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। लेकिन कोई अगर बहुत सारे लोग मिल करके पूरे के पूरे जो भी इशू किया गया था सबको अगर वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। इशूड कैपिटल जो है, सपोज 10,000 रुपए का मैंने इशू कैपिटल किया था, इशू शेयर किया था, तो 10,000 रुपए का ही अगर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो मेरा इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल का जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है कॉल्ड अप कैपिटल, ये भी बहुत आसान है समझना। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, देखो कंपनी जब अपने शेयर को इशू करती है ना, तो कभी नहीं कहती कि आपको जो है सारे पैसे मुझे एक बार में देने हैं। एक कंपनी की में सपोज 1 रुपए 10 रुपए का कोई एक शेयर है, उस 10 रुपए में कंपनी बोलेगी कि ठीक है चलो 5 रुपए अभी दे दो, 3 रुपए उसके बाद दे देना, और उसके बाद फिर जो बाकी का 2 रुपया है वो भी मुझे दे देना। तो 3 इंस्टॉलमेंट में सपोज आपसे लिया जा रहा है, तो ये जो इंस्टॉलमेंट में जो आपसे पहला पैसा लिया गया, जैसे कि 5,000 रुपया मैंने बोला था कि उन लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो 5,000 का 5 रुपया करके कितना हो गया, 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए वो जो उसको स्टार्टिंग में मिले वो उनका कॉल्ड अप कैपिटल है, मतलब बाकी सारे जो पैसे मिलने बाकी हैं उसको कॉल्ड अप कैपिटल नहीं बोलेंगे, है ना। जो ऑलरेडी पैसे मेरे पास आ चुके हैं, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज दैट पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इशूड कैपिटल। देखो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। इशूड कैपिटल जो कैपिटल आपने इशू किया था उसका जो नॉमिनल वैल्यू है उसका ये हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल अ शेयर मे बी 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का कोई शेयर है, बट एट द टाइम ऑफ इशू, लेकिन जब आपने इशू किया तो सिर्फ 5 रुपए ही आपने कलेक्ट किया, द कंपनी इज कलेक्टिंग ₹5 पर शेयर ओनली, सिर्फ 5 रुपए ही उसने इशू किया। द रिमेनिंग ₹5 मे बी कलेक्टेड लेटर As and when needed. तो जो बाकी के 5 रुपए है उसको बाद में कलेक्ट किया जा सकता है लोगों के पास से जब उसकी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। So called up capital will be ₹5 per share. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 रुपए ही पेमेंट हुआ है, तो आपका called up capital कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है paid up capital. ठीक है ना, तो पेड अप का मतलब होता है कि जितना पैसा आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। 10 रुपए का शेयर था, जितने रुपए का आपने पेमेंट किया उसको हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। देखो ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा है विच हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, है ना। तो 10 रुपए आपको मिलने वाले थे,
कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे 5 रुपए है, तो 5 रुपए में से जो भी पैसा आपने अभी रिसीव कर लिया, जैसे कि बोला गया कि 5 रुपए आपको अभी देने हैं, बाकी के 5 रुपए आप बाद में दे देना, मैं आपसे ले लूंगा जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 रुपए में से सपोज आपको अभी 3 रुपए आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी, आपको आपने पैसा रिसीव कर लिया है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया पेड अप कैपिटल, है ना। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट सम शेयर होल्डर्स मे नॉट पे द फुल अमाउंट कॉल्ड अप, है ना। तो जितने पैसे बुलाए गए थे लोगों को देने के लिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ सारे शेयर होल्डर जो है उस चीज को ना दे पाए, है ना। तो उस केस में क्या होगा, द अमाउंट नॉट पेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट, है ना, एंड कॉल्स मेड आर कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। तो सपोज जो पैसे आप नहीं दे पाओगे एज अ शेयर होल्डर, जो पैसे आप नहीं दे पाओगे उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, है ना। कॉल्स इन एरियर आपने 11 12th में भी पढ़ा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, राइट। नाउ दस द पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू द कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है विच इज इक्वल टू जो आपका कॉल्ड अप कैपिटल है, लेकिन उसमें से आप कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दोगे तो आपका पेड अप कैपिटल निकल जाएगा, राइट। इन केयर देयर आर नो कॉल्स इन एरियर, अब सपोज अगर मानते हो कि वहां पे कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है, तो जो पेड अप कैपिटल होगा वही आपका कॉल्ड अप कैपिटल भी होगा। Paid up capital will be same as the called up capital. Now the last point is uncalled capital. Share capital का ये आखिरी point है ना। तो जो पैसा आपने call नहीं किया था, है ना, 10 रुपए में से 5 रुपए आपने call किया था, 5 रुपए आपने call नहीं किया, तो वही आपका uncalled है ना। This is the remaining part of the issued capital which has not been called, है ना। 10 रुपए में से 5 रुपए का तो आपने call किया था, तो 5 रुपए जो आपने नहीं call किया वो आपका uncalled capital कहलाएगा। The company may call this amount at any time, है ना। कंपनी जो है इस अमाउंट को कभी भी आपसे ले सकती है, कभी भी, when it needs further capital, जब भी उनको further capital की आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपसे ये पैसे जो है ले सकती है, according to the provision of the articles, article के provision के according। तो यहाँ पे देखो total मैंने 6 types बनाए हैं शेयर कैपिटल के। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक तरीके से काफी हद तक आपको शेयर्स के बारे में बताया है, जो कि इन नेचुरल इन यू नो नॉर्मल भी जो है किया जाता है। आप अगर शेयर मार्केट की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा बच्चों की, अगर आप यू नो 18 साल आपकी उम्र डेफिनेटली हो चुकी है, तो आप अपने थोड़े थोड़े पैसे जो आपको पॉकेट मनी मिलती है आप उसको शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बहुत सारे फायदे हैं, आपको उन पैसों को ध्यान नहीं देना, बस अच्छी कंपनी में आपको पैसे लगाने हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए इस चीज में तो मुझे बताना, मैं आपको हालांकि एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ एंजल ब्रोकिंग का, एंजल वन का, जहाँ पे आप जाकर के फ्री में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ टाई अप है। आपको बहुत सारी बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलेंगी, आपको यू नो हर एक तरह की बेनिफिट प्रोवाइड की जाएगी जो कि एक बिगिनर को प्रोवाइड की जाती है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको उस लिंक को फॉलो करना है और आपको यू नो वहां पे अकाउंट खोल लेना है जहां पे आप ट्रेडिंग जो है कर पाओगे, ठीक है। आप अगर इसमें और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, और हमारे जो यूट्यूब जो हमारा ट्विटर चैनल है वहां पे भी फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जहाँ पे आपको ढेर सारी यू नो नोट्स मिल जाएंगी। इग्नू बीकॉम का तो अभी तक मैंने नोट्स नहीं डाला है, एमकॉम मैंने डाल दिया है। तो एमकॉम में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई भैया अगर है एमकॉम की स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसे इस चैनल को यू नो एक तरीके से आप सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो नोट्स कैसे लिए जाते हैं, IBO 1, सपोज आपको उनको पढ़ना है, एमकॉम फर्स्ट ईयर में IBO 1 होता है, तो IBO 1 कोर्स का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। इसके ऊपर जैसे ही वो क्लिक करेगा आपका फ्रेंड, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन में देखो आंसर में क्लिक हेयर लिखा हुआ, जैसे ही क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक किया जाएगा आंसर भी निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार करने वाला हूँ, हालांकि बीकॉम अभी खाली है, बीकॉम भी मैं करूंगा तो बहुत ही जल्दी मैं करने वाला हूँ, आपको वहां पर भी जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।